ईटा में एक तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला है, जहां कोचिंग जा रहे साइकिल सवार 15 वर्षीय छात्र को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इस मृतक छात्र को पंडित दीनदयाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैला का स्कूली छात्र बताया जा रहा है। वहीं आक्रोशित परिजनों ने राजा के रामपुर रोड पर जाम लगा दिया। वहीं भीड़ के उग्र होने पर आलाधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दिया। वहीं ट्रक का चालक मौके से फरार होने में सफल हो गया। वहीं दुर्घटना करने वाले ट्रक को पुलिस ने कब्जे में लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला थाना राजा का रामपुर क्षेत्र के रामनगर गांव का है, जहां पंडित दीनदयाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कैला का स्कूली छात्र रोजाना की भांति कोचिंग को साइकिल से गया था। लौटते वक्त एक तेज रफ्तार ट्रक ने लापरवाही से चलाते हुए उसे रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने रोड पर जाम लगाकर बवाल किया। सूचना पर पहुंची पुलिस और सीओ अलीगंज अजय भदौरिया ने मामले को संभालते हुए परिजनों को समझा कर आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वही ट्रक चालक मौके से फरार होने में सफल हो गया। पुलिस दुर्घटना करने वाले ट्रक को पुलिस ने कब्जे में लेकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कर रही है। एटा से आर द्विवेदी की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। बच्चे स्कूल जा रहा था कोचिंग के लिए, तो ट्रक आ रहा था लेवी तरफ से और बच्चे ट्रक ने घसीट दिया बच्चे को। क्या मौत हो गई? हाँ, ऑन स्पॉट मौत हो गई। क्या अभी पुलिस पहुंची है मौके पे? पुलिस और एसओ साहब, सीओ साहब वगैरह सभी लोग मौजूद हैं। परिजनों की कोई मांग है किसी प्रकार की? अभी तो कुछ जानकारी नहीं, जैसे जानकारी मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, ट्रक को पकड़ लिया है क्या? ट्रक को पूर्व विधायक रंजन पाल के बॉडीगार्ड ने आगे गाड़ी लगा के फेर फेर करके ट्रक को रोक लिया है। श्री सरोह बीरन सिंह, ग्राम जो है रामनगर, थाना जो है राय रामपुर का निवासी था, जो प्रातः कोचिंग के लिए जा रहा था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय केला में स्कूल है, और जब वो ट्यूशन पढ़ने जा रहा था तो पीछे ट्रक ने जो है इसका नंबर HR38V9560 द्वारा टक्कर मार दी। उसी की स्पॉट पर मृत्यु हुई। पुलिस तुरंत उसके जो है बॉडी कब्जे में लेकर के और जो है आगे